पाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जो भी 9 मई को साजिश बगावत में मुलविस है उसे कानून की गिरफ्त से नहीं बचाया जा सकता। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के सालाना इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करने के लिए आने वाले पाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक अनाड़ी के हाथ मुल्क को देकर बड़ा गर्क कर दिया गया। 2018 में हमारी हुकूमत छीन कर उसे फसादी टोले को ना दी जाती तो मुल्क आज बहुत आगे जा चुका होता। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर भी मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई जो काबिल मजम्मत है। इंतशार और फसाद फैलाने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी 9 मई को साजिश और बगावत में मुलविस है उसे कानून की गिरफ्त से नहीं बचाया जा सकता। उनका कहना था कि जो शख्स कहता है कि उसे पिंजरे बंद किया हुआ है उसी ने अपने मुखालफिन को उन्हीं पिंजरों में कैद करवाया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत एक बार फिर मुल्क की मईशत को संभालने के लिए इकदाम कर रही है जिसका नतीजा आइंदा 2 से 3 साल में नज़र आएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत इंजीनियर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में इंकलाबी इकदाम करेगी। वजीर इत्तला पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए उस्मा बुखारी का कहना था कि बैरिस्टर साहब हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाती है उनके अपने बुजरा अपने ही वजीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्श कदम पर नहीं चल रहे, वो अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। उनका कहना था कि इसी बात की लड़ाइयाँ टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुँच गई हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। उस्मा बुखारी ने कहा कि मुझे हैरत भी होती है और हंसी भी आती है, कौन बेवकूफ़ और जहनी मरीज़ हैं जो उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि जो हीरे और गौहर नायाब इमरान और बोजदार की काबीना में थे ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। उन सबको अपनी अपनी जेबें भरने की फिक्र है, आवाम चाहे महंगी रोटी खरीदें। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ, 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नहीं मिलेगा। ज़राए का बताना है कि हुकूमत की जानिब से मोहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोपरेटिक सार्फिन में शुमार होता है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 201 यूनिट से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपये का बनता है तो उसमें से 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यूँ रिलीफ के बाद सार्फ को 30 रुपये फ़ी यूनिट अदा करना होगा। ज़राए के मुताबिक बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त सितम्बर 2024 के बिलों में होगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज पंजाब के आवाम को रिलीफ देने और सहूलतें फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। याद रहे कि 2 रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ देने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्की मुआशियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ वज़ीर आज़म का अहम इजलास हुआ जिसमें तमाम वजारतों को दिए गए अहदाफ के लिए फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ की जानिब से टीम को हिदायत जारी की गई कि मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्की मुआशियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुआशी प्लान में अहम अहदाफ तय करने से तरक्की की राह हमवार होगी। इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना समेत मुआशी टीम के वज़रा ने वज़ीर आज़म को मुतालिका अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत ख़जाना वज़ारत तिजारत और FBR ने मुआशी प्रोग्राम के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। FBR की डिजिटाइजेशन पर फौरी अमल दरामद करने से आमदनी में इजाफा और FBR की डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने पर भी इत्तेफाक हुआ। PM ऑफिस इजलास में आमदनी में इजाफे के बाईस अवाम को रिलीफ देने पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार और मोहम्मद औरंगज़ेब को मुआशी प्लान पर जल्द अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी।